हेलो एवरीवन, आज हम आए हुए हैं महात्मा गांधी इंटर कॉलेज घेसूपुर और यहां पर कक्षा 10 की परीक्षा अभी समाप्त हुई है और आज मैथ की परीक्षा है, गणित की। तो हम सभी विद्यार्थियों से पूछते हैं कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। हेलो भाई, कैसा हुआ आपका एग्ज़ाम? सही हुआ। कौन से स्कूल से हो? एम एस इंटर कॉलेज। कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था? आज मैथ का था। मैथ का था, कितने क्वेश्चन आए उसमें? 18 क्वेश्चन आए थे, 20 वो आए थे। 18 क्वेश्चन थे, 20 बहुविकल पे थे। ठीक है। और एग्ज़ाम कैसा हुआ आपका? सही हुआ। अच्छा, आपका कैसा हुआ? मेरा भी सही गया। क्या कहना है, पूरे बहुविकल सही आए। बहुविकल पे। आपका नाम क्या था? विनीत सैनी। कहाँ से हो? रामबाड़ी से, सिकंदराबाद रामबाड़ी। अच्छा, कौन सा कॉलेज है? एम एस इंटर कॉलेज। आपका कैसा हुआ भाई? बढ़िया, एकदम फाड़ कर रख दिया पेपर की, फुल मौज तेरी का। अच्छा, कितने क्वेश्चन आए थे? आए थे कम से कम 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आए थे। हाँ। वो तो अभी पीछे है, 16-17 क्वेश्चन बता रहे थे। 20 बहुविकल पे और 5-6 क्वेश्चन बस। अच्छा, 20 बहुविकल पे। हाँ। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताना। पता नहीं है। फिर पेपर कैसे फाड़ दिया? फाड़ दिया, जैसे फाड़ना था, फुल मौज कर दिया। अच्छा, देखो ये अदनान भाई, आई लव यू भाई। अच्छा अच्छा, आई लव यू लिख के आ रहे हो। हाँ। भाई आपका कैसा हुआ एकदम? बहुत बढ़िया हुआ भाई। बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ। कौन से स्कूल से हो? यहाँ पे स्वामी नंदानंद इंटर कॉलेज। अच्छा अच्छा, आज किस सब कौन से सब्जेक्ट का था? गणित। मैं गणित का था। कितने क्वेश्चन आए थे? 25 क्वेश्चन आए थे, लेकिन कोई 16 बता रहा, कोई 17 बता रहा। ये रे यार, तुमने 25 आए। पच्चीस आए? अच्छा अच्छा, 20 तो ये है। तो आपने ये 16 का और भाई कितने क्वेश्चन करें आपने? 25 ही करे। 25 करें, कितने परसेंटेज बन जाएंगे? मैथ में? हाँ, 50 सुपर हो जाएगी। 50 सुपर, तो मतलब 50% पे ही रुक जाओगे? ना जी, हमारे तो 60-60 से। मतलब 50 के परसेंटेज बनेंगी या फिर 70 में से 70 में से 50 70 में से 50 70 प्लस। मार दिया पेपर को, मत। अच्छा, बस इतना ठीक। कैसा हुआ आपका पेपर? तो बढ़िया गया, जिंदगी में पहली बार भी कॉपी लिए मैंने। कैसा जा, अब तुम सोचो। अच्छा, पहली बार भी कॉपी में, वो भी कितने क्वेश्चन करे थे? 25 आए, 25 के 25 कर दिए। अच्छा, कोई एक क्वेश्चन बताना कैसा है? एक कैसे बताऊं? कोई क्वेश्चन जो याद हो। जैसे कितने क्वेश्चन करे आपने? सारे क्वेश्चन कर दिए भाई। कितने आए थे? कितने आए थे? सारे 25 क्वेश्चन आए थे। 25 आए थे एमसीक्यू और लिखित 14 लिखित। अच्छा अच्छा, एमसीक्यू सारे पेपर सारे कर दिए। पेपर सारा फाड़ा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताना। आपका नाम क्या है? किरिश कुमार। किरिश कुमार। कितने क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन आए थे 21। 21 क्वेश्चन आए थे? 25 आए। 25 आए थे। कितने क्वेश्चन करें आपने? सारे करें। तो कितने परसेंटेज बन जाएगी? 80। 80% बन जाएगी। तो पेपर तो शायद 70 नंबर का था। पेपर 70 का था, लेकिन 30 वो भी तो हैं। अच्छा, 30 प्रैक्टिकल के भी बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताना। ए प्लस बी को ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड। भाई छोटा सा क्वेश्चन है, जो भाई क्या ना, बोर्ड के पेपर में हम कुछ भी करते हैं तो कहीं कॉपी की पूरी रहती नहीं जाती, तो भाई सर ने कॉपी नहीं दी, हमें डी कॉपी देने के लिए मना कर दिया था। क्यों मना क्यों कर दिया? कौन से सर ने करा था? ना सर का नाम नहीं पता, पर इतना पता ब्राउन कलर की जैकेट पहनना गई थी, मुझसे कह रहे मैं कहा टाइम नहीं बचा, जबकि पता पूरा टाइम बचा था, वो 45 मिनट बची थी पेपर के लिए। सर का नाम नहीं पता। कहने का मतलब था ये कि पेपर अच्छा गया सभी बच्चों का। नहीं, वो ये कुछ बोल रहे थे। दो बता दो भाई, दोबारा करो। और चुप सारे चुप रहेंगे। तो मैं कह रहा था पेपर ठीक है, तो मैंने सी कॉपी ले ली, मैंने भरती सी कॉपी जो मेरा हुआ था ठीक है सारा, तो मैं 2 क्वेश्चन रखे थे, मैं छोड़ दी थी बीच में ठीक है, तो मैं डी कॉपी भर रहा था, तो डी कॉपी मुझे दी नहीं सर ने, की थी कहना मैं सी कॉपी भर ले पहले, मैं
जो 45 मिनट बची थी, कह रहे टाइम खत्म हो जाए हो जाएगा, पर डी कॉपी नहीं दी। तुम मुझसे कह रहे थे कॉपी भरते नहीं यहाँ पर, अब तुम सोचो मैथ का पेपर है तो मैथ के पेपर में पूरी कॉपी भरता। सही बात है, अभी आ जाओ। सही बात है, सर का नाम नहीं पता, इतना पता ब्राउन कलर की जैकेट पहन के आए और आप फोटो ले लो अच्छा सा। लेकिन एक बात बताओ, अगर जो बाद में ये वीडियो चलेगी तो आप इस बात से मुकरोगे तो नहीं? नहीं, मेरी क्लास में मेरे दोस्त भी बैठे हैं, सबको पता है डी कॉपी मांगी थी, डी कॉपी दी नहीं मुझे। ऐसे मत करना कि कभी बाद में, ये पता है डी कॉपी मांगी थी भाई, डी कॉपी देने मांगने के बाद बता दो, लाइक भी करेंगे सब्सक्राइब भी करेंगे। यस होता है भाई, मुझे इतना पता है पेपर गया सबसे अच्छा, पर डी कॉपी देने के लिए सर ने मना कर। चलो ठीक है, हम आपकी इस बात को रखेंगे। हाँ आप बताओ, आप बता रहे थे। हाँ जी भाई, बात बोलिए। आपका नाम? अर्श नाम है मेरा। कौन से स्कूल से हो? जयंटा कॉलेज से हूँ मैं। कितने क्वेश्चन करें आपने? मैं सारे करें, 90% आएगी मेरे पेपर में। 90% आएगी पेपर तो, लेकिन 70 नंबर का है। 30% स्कूल से मिलेगी ना? मैंने 30 का 30 मिलेंगे, 90+ आएगी। हमारे गुरु जी हैं राजा भैया, उन्होंने क्या 90+ आएगी तुम्हारी, आप बंद करा कर जाओ। राजा भैया ने कहाँ के हैं? राजा भैया, राजा भैया रामपुर के हैं जी। रामपुर के? रामपुर के, सिकंदराबाद। अच्छा अच्छा, आपको ट्यूशन पढ़ाते हैं? आपका क्या नाम है? फैसल कुरैशी। कहाँ से हो? सिकंदराबाद। कौन से स्कूल से? जैन इंटर कॉलेज। कितने क्वेश्चन करे? पूरे क्वेश्चन करे, पूरे ही करे। और कहकर काफी भरी है। काफी भरी है? कितनी काफी भरी है? कितनी काफी भरी है? कितने क्वेश्चन आए थे? कितना है? 15 आए थे। 20 तो बहुत लोकेंद्र गुरु जी ने हमारे ने रात भरमा में ऐसा सिखा दिया जो बिल्कुल सेम संख्या में। तो सिखा क्या दिया आपको? आपको तो ये ना पता कितने क्वेश्चन आए? 25 आए। सुनो सुनो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। ए प्लस बी बता।